तो हेलो गाइस, राम राम, कैसे हो, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, आई होप सब अच्छे होगे। तो गाइस आज मैं इसे लेके जा रहा हूँ एक ऐसी जगह जहाँ ये जाके पागल हो जाएगी। हेलो, तो ये एक्साइटेड है कि कहाँ जा रहे हैं। आज इसे दिखाऊंगा कि गांव की लाइफ कैसी होती है, कैसे हम लोग गांव में रहते हैं, मतलब गाय भैंस चारा, मतलब सारी चीज दिखाऊंगा इसे, क्या क्या होता है, पता क्या नहीं आज मुझे कहाँ लेके जाने वाला है। बट मैं एक्साइटेड बहुत ज्यादा हूँ क्योंकि मैंने आज तक कभी भी ऐसे गाय को खाना नहीं खिलाया, कभी मैंने ऐसे गाय इतनी सारी देखी नहीं है एक साथ। तो लेट्स सी, कुछ नया करते हैं आज। बहुत दिन के बाद व्लॉग डाल रहे हैं और ये भी ऐसे रैंडम शुरू किया है हमने, राइट? बिकॉज ये मुझे कहता चलो ये लेके चलते, मैंने कहा चलो कैमरा ही ऑन करके दिखा देते हैं क्या कर रहे हैं हम। तो चलो आपसे मिलते हैं वहां चल के। सो हाय एवरीवन, आज है संडे, तो आज अक्की मुझे कोई नई सी जगह लेके आया है और मैं अभी आपको दिखाती हूँ क्या है। तो अभी हम जिस गाड़ी से उतरे हैं और ये आज पता नहीं मुझे कहाँ लेके आया और वो रहा, वो बैठा है, देखो। हाय। तो हमने सोचा चलो हम मिनी व्लॉग शुरू कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए थे व्लॉग नहीं डाला, तो सोच रहे हैं चलो मिनी व्लॉग डालें। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के? हुक्का पी रहे हैं भाई। तोड़ा हुक्का तो मैंने पहली बार देखा है। 47 का हुक्का, देखना भाई, गन बनी हुई है इसके अंदर, ये देखो, ये पूरी ऐसी गन है। AK-47 सिस्टम चल रहा भाई, सही में सिस्टम चल रहा है। तो पहली बार मैंने ऐसा हुक्का देखा है भाई साहब। और यहाँ पर मैंने पहली बार इतनी छोटी सी गायें देखी हैं, मैंने हमेशा बड़ी बड़ी गायें देखी हैं। और ये बहुत प्यारी सी गायें हैं, चुचू। और एक ये है छोटा सा, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब पहली बार देखी इतनी ज्यादा इतनी छोटी सी गाय मैंने। और यहाँ पर है एक घोड़ा और यहाँ पर है एक घोड़ी, घोड़ा नहीं है ये, घोड़ी है, इसका नाम है कल्लो। हेलो कल्लो। भाई मुझे खुद ही घोड़े से इतना डर लगता है। है कल्लो, कल्लो नाम है कल्लो और इसका नाम है कल्लो। कैसी हो कल्लो, तुम्हारे ऊपर ही गाना बनाया क्या वो है, निकली कल्लो कल्लो रे, निकली कल्लो कल्लो रे। आ नहीं रही है, ये दूर जा रही है। तो आज तो मुझे बड़ा मजा सा आ रहा है, एकदम जिसे कहते हैं ना एकदम गांव की लाइफ एकदम कैसी सी होती है। यहाँ तबेला बना हुआ है इसका, घोड़े का, घोड़ी का, वहाँ पे पीछे गायें हैं। और मैं आपको मिलवाती हूँ इनको, मैंने भैया बोल दिया, इन्हें बुरा लग गया, इन्होंने मुझे खाला बोल दिया। ये है फिरोज। हेलो फिरोज, कैसे हैं आप? ये आप क्या कर रहे हैं? तेल है। तेल किस चीज में? गाय के लिए। गाय के लिए? ओए गाय के लिए क्या बन रहा है, व्हाट इज दिस? दलिया। ओ ये देखिए आप, बाजरा, गेहूं, ये दलिया है, दलिया, सॉरी दलिया नहीं, दलिया है गाय के लिए, इसमें मक्का है। तो ये भैया खाना लेके जा रहे हैं गाय के लिए, फिर मैंने भैया बोल दिया फिरोज, तो फिरोज लेके जा रहे। ओ माय गॉड, एक मिनट में आपको ना कैमरा पलट के दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए ये हैं बहुत सारी गायें भाई साहब, 1, 2 ब्राउन, 2 ग्रे, 1 ब्लैक, और इधर भी ब्राउन है। सब गायें मुझे देख रही हैं, कौन सा नया प्राणी आया है इनके बीच में। ये डेयरी लग रही है मुझे, ये डेयरी है राइट। जैसे मैं इन्हें देख के परेशान हूँ और खुश हूँ, ऐसे ये मुझे देख के अचंभे में है कि ये कौन सा प्राणी आया है नया हमारे बीच में, हमने ऐसा प्राणी कभी नहीं देखा था। हैं आप मुझे देख के अचंभे में है क्या? आप मेरे पास आना चाहती हैं? आना चाहती हैं आप मेरे पास? मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, लेकिन ये मेरे पास आना चाहती है, मुझे सूंघ रही है। आप प्यार करेंगी, करवाएंगी? आपकी जीभ बहुत लंबी है भाई। हाय 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 हाय, क्या तुम सोच रहे आप खाने के लिए? खाना की खुशबू आ रही होगी, अभी हम खाना खा के आए हैं। ये देखिए ये भैया, ये फिरोज ने दिया था इनको खाना। और ये सर है, मैडम है, ये मैडम है, ये मैडम चट कर गई है पूरा। कोई भी? अच्छा सर नहीं है इनमें कोई, सब मैडम है। ये दो सर जो खड़े ही नीचे, अच्छा वो दो सर है। ये मैडम ने एक मिनट के अंदर खाना चपड़ चपड़ खत्म कर दिया, इनको काफी भूख लग रही थी मुझे लग रहा है, काफी देर से भूखी थी ये, और इनको लग रहा है टेस्टी बनाया है फिरोज के हाथ का खाना, इन्हें पसंद है। राहुल भाई हमारे, ओके। तो ये सब एकदम मस्त, मुझे लगता है खाना पीना खा के मस्त है। ये भी इनको और भूख लग रही है, ये खाली डब्बा चाट रहे हैं, इनको खाना दिया डब्बा नहीं चाट रहे, ये बस इनकी डाइट इतनी है, तेल देते 51 गाय हैं ब्यांगी। अच्छा दूध देने वाली है ये 51 है, ये चल गया छठे में, चल गया आठ में,
ओहो अच्छा अच्छा ये चल रहा है। इसके तो बच्चा था वो जो अच्छा ये ब्राउन वाला है, ये दो बच्चे इसके हैं, एक इसका था एक पल्ली वाले का था। अच्छा अच्छा वो दो छोटे बच्चे जो मैंने आपको दिखाए हैं वो एक इधर के हैं और इधर के हैं। ओहो ये रोहतक से आई हैं, दूर दूर से आई हैं भाई। ये सबसे ज्यादा बेचैन हो रही है भैया, क्या दिक्कत क्या है आपको हमसे, क्या चाहिए आपको? इन्हें मुझसे प्यार है। हेलो क्या करना चाह रही हैं आप, ये व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस कंट्रोल बेबी कंट्रोल। ये हाथ लगवाना भी चाह रही है और नहीं भी चाह रही है, समझ नहीं आ रहा, आई एम कंफ्यूज्ड। चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। तो आज आपको मैंने दिखाए गाय का बच्चा, गाय, घोड़ी और इतनी सारी गाय, ये एकदम गांव की लाइफ, मज़ेदार सिंपल एकदम ना, कुछ भी नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई कुछ नहीं, मज़ेदार। ये है जहाँ इनका चारा बनता है, वो मशीन जो ऐसे ऐसे चलती है चारा बनता है। ये उपले यहाँ गर्म हो रहे हैं, शायद ये हुक्के में डलेंगे। यस तो चलिए और ये दिखाती हूँ मैं, यहाँ गाय का खाना रखा जाता है, सारी गायें खड़ी हो जाती होंगी आके और खाती रहती होंगी। ये भी मुझसे मिलना चाह रही है। हेलो हाय, ये बहुत प्यारे हो आप, बहुत क्यूट हो आप, ये देखो हैं, इनका नाम नहीं रखा अभी तक है। देखो गाइस क्या कर रही है, जूस पी रही है जैक डेनियल्स के, जैक जेनियल्स, इट इज नॉट जैक डेनियल्स, इट इज जैक जेनियल्स के ग्लास में हम पी रहे हैं जूस, तो कोई गलत ना समझना, ठीक है, इट इज जस्ट जूस। तो कैसा लगा तुम्हें? मुझे अच्छा लग रहा है, एकदम मजा आ रहा है आज। तब भाई साहब यहाँ के हो चुके पागल करते गाँव में, तब यही दिखाएगी यही घुमाएगी सारे में। हाँ तो जूस क्या हुआ, अच्छा लग रहा है जूस तुम्हें? मीठा ज्यादा है। क्या कर दिया मीठे में, पहली बार पी रहा है क्या? नहीं यहाँ मीठा डाल दिया इसमें, बहुत ज्यादा मीठा डाल दिया। या कड़वे लोगों को मीठा का रास आएगा है ना, सही है ना, ये ज्यादा हो गया कुछ, ज्यादा हो गया, ये ज्यादा ही था, तुम बहुत कड़वे हो, बातें कड़वी है तुम्हारी, तो थोड़ा मीठा पियो ताकि सही रहे, तेरा सिस्टम निकाल दूंगी सारा सिस्टम तेरा। तो ये अंदर एक बना रखा है छोटा सा मकान सा और एकदम कच्चा है ये, बट यहाँ पे सहूलियतें सारी मिलेंगी आपको। तो यहाँ पर है खाट, वाओ, और यहाँ बना रखा है एक छोटा सा किचन, एकदम मॉड्यूलर किचन, बदतमीज कह रहा है मॉड्यूलर किचन। यहाँ सारा काम का सामान रखा हुआ है, अंदर कोई और भी है पता नहीं, वाने जाऊंगी मैं, कोई लेता हुआ है अंदर, तो एकदम मस्त सा बना रखा है एकदम। और मैं दिखाती हूँ एक चीज और, यहाँ आपको अंदर चली जाऊँ ना, यहाँ पे तूड़ी है, तूड़ी बोलना, तूड़ी, दिस इज व्हाट तूड़ी, तूड़ी नहीं भूसा बोलना है अब, ओके तो अब है भूसा, कोई मुझे कह रहा है कुछ बोलने के लिए, कोई कुछ मुझे पता नहीं है कुछ भी। तो ये देखो कितना भूसा है यहाँ पे, ओ भाई मुझे लगता है ये 5-6 महीने का कोटा है, बट इतना भूसा भाई साहब, गाय यही खाती हैं, कभी भी घोड़े भी खा लेते होंगे इसलिए इतना सारा है, बट माई गॉड अ लॉट ऑफ केयर। ये भैया ओ फिर आई एम सो सॉरी, फिरोज आप ये क्या ला रहे हैं? ये खल है, ये खल है, ये क्या हो रहा है इससे? ये गाय का निहार हो रहा है, गाय का निहार हो रहा है, तो पानी मिला रहे हो तुम खाए खाने पानी में? ना देखो इधर खल, हाँ देखते हैं भाई, ये देखो ये है खल। अच्छा इसमें दाल दूल लग रही है मुझे कुछ है, ये चना है, हाँ छिलका उसका, हाँ बिलोने के खल है, हाँ और ये चने की चूड़ी है और ये चोकर। ओहो अच्छा, तो ये इसमें मिला रहे हैं, गीला कर दिया तुमने ये, अब खाएंगे। तो ये तैयार यहाँ हो गया है, ये तैयार यहाँ हो गया है, ये यहाँ हो गया है, वाह आज तो मुझे कुछ नया नया देखने को मिल रहा है, पता नहीं सारी गायें आके यहाँ पे खाने वाली हैं। अब ये खाना खिलाने के लिए सबको लेके आ रहे हैं, तो मैं ज़रा दूर हो जाती हूँ, मुझे लग रहा है थोड़ा डर। चलो भैया चले, ये यहाँ नहीं है आपका, वहाँ है उधर खाना, इसे यहाँ पता होगा इसका खाना,
ये देखो ये जा रहे हैं। ओह शी इज रनिंग। नहीं भैया नहीं, बहुत बढ़िया है, साइज बहुत बड़ा है इसका, बहुत सीधी है, अल्लाह की कसम बहुत सीधी है। तो भैया ने अल्लाह की कसम खा ली, अब मैं इसे छेड़ दूंगी। कुछ नहीं हाथ पे नहीं, कुछ नहीं कहेगी। ओ इधर आ जा, नहीं बस 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 इतना काफी है। ये देखो एक यहाँ पे इसने खाना खा लिया, खा रही है। ये दूसरी भैया ने लगा दी यहाँ पे खाना खा रही है। मुझे अभी अभी पता चला है कि ओ भाई साहब, भाई ये मुझे रिएक्शन मुझे अभी ये पता चला है, ये इसलिए मुझ पर गुस्सा हो रही है क्योंकि मैंने इसके पेट पे हाथ लगाया है और इसका भी बच्चा होने वाला है, शी इज़ प्रेग्नेंट। तो गॉड ब्लेस, तो इसलिए ये मुझसे थोड़ा दूर हो रही है कि इसके पास, ये मुझे जानती नहीं है ना अभी, तो इसलिए चाह रही है कि मैं थोड़ा दूर रहूँ उससे। वहाँ भाई एक और ले कर आ गए हैं, तो भाई एक और ले कर आ रहे हैं, मैं थोड़ा दूर हो जाती हूँ। तो मुझे खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं सब, तो ये इन्होंने यहाँ बांध दिए। सनी साइड हो, हाय सनी भाई, थोड़ा दूर हैं अपना ही। ओ भाई साहब एक्साइटेड हो रही है बहुत ज़्यादा, ये एक्साइटेड है अभी थोड़ी। इसके मुंह पे ये इसलिए बांध रखा है क्योंकि ये खुद अपना ही दूध पी जाती है। ओह माय गॉड, कोरोना वायरस हो रहा है, वजह से लगा रखा मास्क। कह रहे कोरोना वायरस हो रहा है। हाँ भाई बेचारी गोल गोल घूम रही है अभी। हाँ 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 मिलेगा खाने को, मिलेगा। वेट 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 वेट, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। आ गए भाई इसका खाना लेके, इसको अलग से मिलेगा खाना, ये वहाँ नहीं खाएगी, ये खाएगी। क्यों इसका अलग से क्यों दिया तुमने? इसका हो गया है, इसके डाइट है, ये इसके अलग डाइट है। जिम वाले डाइट लेते हो? हाँ बोलो बोलो। जिम वाले डाइट अलग होती है, इसलिए इसकी डाइट अलग है। डाइट अलग है इसमें। अच्छा इसमें क्या क्या खा रही है ये अलग बता तो दी। इसमें है मक्का, बाजरा, जौ और प्लस इसके चने और गेहूं। ओके तो ये अलग खा रही है, इसमें भूस नहीं है, इसमें भूस नहीं है, इससे अलग किलो है चना। 80 रुपए किलो है चना। ओहो ये मतलब ये ज्यादा महंगा खाना खा रही है। हाँ महंगा खाती है। ये अक्की है यहाँ का। ओके चलो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो बाय टू एवरीवन। ओह सॉरी कैमरे में हाथ आ गया मेरा, इट्स ओके। तो भैया आज तो विलेज लाइफ मस्त है एकदम। कितना काम करते हैं यार ये लोग एक दिन में, एक जानवर के लिए। भाई साहब बिग डील मैन, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा दिल चाहिए करने के लिए, है नहीं? सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ा दिल चाहिए जानवर के लिए करने के लिए, बहुत ही बड़ा। चलो निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस आई होप आप लोगों को भी ये व्लॉग देख के मजा आया होगा। इसे भी मैं इसलिए दिखाने लेके गए थे, कहते हैं ना गांव में लोग क्या करते हैं, तुम भैंसों का कैसे करते हो, ये चारा गाय कैसे दूध देती है, क्या खाती है। तो मैंने कहा चलो मैं तुझे दिखाता हूँ कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, गाय हो या भैंस हो, कोई भी जानवर हो, आप घोड़ा भी था, जो भी आप जानवर पाल रहे हो ना, तो उसके पीछे पूरे दिन लगा रहना पड़ता है। तीनों टाइम उन्हें खाना देना, उनकी सफाई, केयरिंग, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं गांव के लोगों की लाइफ एकदम सीधी सिंपल सादा होती है कि भाई सुबह उठे, अपना खेत गए, अपने चारा लेकर आए, गायों को खाना खिलाया, दूध काढ़ा, मतलब गांव के लोग एकदम सिंपल। कहने के लिए सिर्फ ये काम है, लेकिन जब करो बहुत मेहनत भाई, वाला काम बहुत है, बहुत मेहनत है। खाना ऐसी नहीं, मुझे लगता था गाय को बस भूस दे दी जाती है और वो खा लेती है, मुझे नहीं पता उसमें इतनी सारी चीजें मिलती है ना। और गाय भैंस पालना भी आज की डेट में कोई आसान बात नहीं है, आदमियों से ज्यादा खर्चा होता है उनका, महंगा भूसा आना, फिर चने, चोकर, खल, छिलका, घी, तेल, सारी चीजें खिलानी पड़ती है, तभी जाके गाय अच्छा मतलब अच्छी तंदुरुस्त रह पाती है। तो बस मैं इसे यही दिखाने वाला था, यही दिखाने लेके गया था कि गांव में लोग कैसे होते हैं और कैसे काम करते हैं।
सल्यूट टू ऑल द पीपल जो सही में यार इतना ख्याल रखते हैं जानवरों का. हम ठीक है, हम लोग शहर में डॉगीज पालते हैं, बट डॉगीज का भी बहुत खर्चा होता है, बहुत होता है. लेकिन जो भी है, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, अगर आप कोई भी जानवर पालते हो उसे बहुत प्यार से रखो, उसकी बहुत केयर. अगर पाल सकते हो तभी पालो, नहीं पाल सकते हो तो प्लीज उनकी जिंदगी खराब मत करो, है ना. तो चलो गाइस, आपको ये व्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा, ये पसंद आया होगा, तो ये व्लॉग हम करते हैं यहीं एंड. तो बाय, लव यू, टेक केयर.